हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शानास किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ चिकन पोटैटो कटलेट्स बनाने की रेसिपी। चिकन पोटैटो कटलेट्स बनाना बहुत ही आसान है, आप इसको बहुत ही इजीली घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन पोटैटो कटलेट्स बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, उनको अच्छे से बॉईल कर लिया है और इस तरह से मैंने इसको मैश कर लिया है। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप बॉइल्ड और श्रेड किया हुआ चिकन। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने बहुत ही फाइनली चॉप कर लिया है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, थोड़ा सा नमक। नमक हमने यहाँ पे थोड़ा सा ही ऐड किया है क्योंकि हमने आलू बॉइल करते वक्त और चिकन को बॉइल करते वक्त नमक डालकर बॉइल किया था। अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसी के साथ हम इसमें 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ऐड करेंगे। इसी के साथ अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 चम्मच बारीक कटी हुई फ्रेश धनिया, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। हरी मिर्चें आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 नींबू का जूस और इसी के साथ अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच सोया सॉस भी ऐड करेंगे। और अब हम इन सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए, हमारे चिकन पोटैटो कटलेट्स का मिक्सचर बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसके कटलेट्स बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने हाथों पे थोड़ा सा तेल लगा लिया है और अब हम इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और इसको एक कटलेट की शेप देंगे। आप किसी भी शेप की कटलेट्स बना सकते हैं, मैंने यहाँ पे राउंड शेप की कटलेट बनाई है। और इसी तरह से हम बाकी के सारे कटलेट्स को भी रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे चिकन पोटैटो कटलेट्स को शेप दे दी है और अब हम इसके आगे की स्टेप करते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एग्स लिए हैं और इसमें मैं थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर ऐड करूंगी और इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। अंडों को मैंने अच्छे से फेंट लिया है और अब इसी के साथ हमें थोड़े से ब्रेड क्रम्स की भी ज़रूरत होगी कटलेट्स को कोट करने के लिए। अब हम एक कटलेट लेंगे और उसको फेंटे हुए अंडे के मिक्सचर में इस तरह से डीप करेंगे अच्छे से और उसके बाद हम इसको कोट करेंगे ब्रेड क्रम्स में। ब्रेड क्रम्स को हम कटलेट के ऊपर बहुत अच्छे से लगा लेंगे, इसके साइड्स पे भी अच्छे से लगा लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से हम सारे कटलेट्स को रेडी कर लेंगे। तो चिकन कटलेट्स हमारे बिल्कुल रेडी है अब फ्राई करने के लिए। आप इसको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं या फिर आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं 1 महीने के लिए, अगर आप इसको एयरटाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में अच्छे से स्टोर करेंगे तो ये 1 महीने तक आराम से फ्रेश के फ्रेश रहेंगे। जब भी आपका मन चाहे आप इसको फ्रीज़र से निकाल कर शैलो फ्राई कर ले और गर्मा गर्म कटलेट्स को एंजॉय कर सकते हैं। ये मैंने थोड़े से कटलेट्स जिपलॉक बैग में डाल दिए हैं, इनको मैं स्टोर करूँगी फ्रीज़र में और जो बाकी के कटलेट्स हैं उनको मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को गर्म करने के लिए ऑलरेडी रख दिया है और कटलेट्स को हम शैलो फ्राई करने वाले हैं, डीप फ्राई नहीं करेंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, फ्लेम को मैंने मीडियम पे रखा है और मीडियम फ्लेम पे ही हम कटलेट्स को शैलो फ्राई करेंगे। और पहले 1 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ऐसे ही फ्राई होने देंगे। कटलेट्स को हमें दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है क्योंकि कटलेट में जो आलू है वो भी बॉइल्ड है और जो हमने चिकन श्रेडेड करके ऐड किया है वो भी अच्छे से कुक्ड है। 1 मिनट हो गया है और अब मैं इसको टर्न कर रही हूँ तो अभी आप देख सकते हैं कि हल्का सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आने लगा है। चिकन कटलेट्स को दोनों तरफ से इक्वली गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसको फ्राई करेंगे। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लें।
तो ये देखिए एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब मैं इसको फिर से टर्न करूंगी और दूसरी साइड से भी इक्वल कलर आने तक फ्राई करूंगी। तो ये देखिए दूसरी साइड से भी ये इक्वली ब्राउन हो गए हैं और अब हमारे कटलेट्स बिल्कुल रेडी है। अब हम इन्हें ऑयल से रिमूव करेंगे और इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ या फिर टोमेटो केचप के साथ गर्मा गर्म सर्व करें एज ए इवनिंग स्नैक्स या फिर एज अ स्टार्टर। अंदर से जितने ये सॉफ्ट और जूसी है उतने ही बाहर से क्रिस्पी है। आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़ कि ये बाहर से कितनी क्रिस्पी हो गई। आप भी इस चिकन कटलेट्स की रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे किसी अमेजिंग और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।